तमाम लोग आजकल बालों में स्ट्रेटनिंग ज़्यादा कराते हैं या केराटिन ट्रीटमेंट कराते हैं। स्ट्रेटनिंग के दौरान जो उसमें क्रीम इस्तेमाल होती है उससे कैंसर का खतरा ज़्यादा होता है, इस तरह का एक अध्ययन सामने आया है अमेरिकन, जिसमें ये बात कही गई। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ धर्मशिला हॉस्पिटल के निदेशक हैं और वो कैंसर सर्जन भी हैं, डॉक्टर अंशुमन जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या उसमें जो क्रीम इस्तेमाल होती है उसमें को लेकर कुछ संदेह है वैज्ञानिकों को कि उससे कैंसर हो सकता है, क्या कारण है? देखिए, इस पर संदेह काफ़ी समय से किया जा रहा था, लेकिन 2022 में स्टडी पब्लिश हुई और जिसमें पाया गया कि इसमें कुछ तत्व ऐसे हैं जिसके लगातार इस्तेमाल से खास करके तीन कैंसर का खतरा बढ़ा है, जिसमें स्तन का कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर और ओवरी का कैंसर। केमिकल क्या है? मेन केमिकल है पैराबेन, फिनॉल और थैलेट्स। ये केमिकल ही तीन कैंसर को करा रहा है। होता क्या है कि कहा गया है स्टडी में कि अगर एक साल में 4 से ज़्यादा बार इस्तेमाल कर रहे हैं, यूजुअली ब्लैक निग्रोज में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो उसमें कैंसर खतरा बढ़ा। कुछ स्ट्रेटनर में फॉर्मल्डिहाइड डायरेक्ट है और कुछ में मिथिलीन ग्लाइकॉल है। मिथिलीन ग्लाइकॉल हीट होने के बाद फिर फॉर्मल्डिहाइड में बनता है। इससे ब्लड कैंसर और नाक के पीछे एक नेजोफेरिंग्स होता है, नेजोफेरिंजियल कैंसर, इसका खतरा बढ़ा है। ये स्टडी में आया है। तो सर, क्या इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? इसमें एक चीज़ ये भी कि जो पार्लर में इस्तेमाल होता है उसको लेकर ज़्यादा सवाल खड़े किए गए हैं, बजाय जो बाहर मार्केट से जो क्रीम लेते हैं उसके बाद उसको इस्तेमाल करते हैं उसके मुकाबले, क्या ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करेगा उसके कंटेंट में क्या है। तो आप पूछेंगे कि क्या कंटेंट में लिखा होगा पैराबेन, थैलेट्स, फिनॉल? नहीं लिखा होगा। उसमें लिखा होगा प्रिजर्वेटिव और फ्रेग्रेंस, मतलब खुशबू के लिए सामान इस्तेमाल किया गया, प्रिजर्वेटिव के लिए, तो ये लिखा नहीं होगा। इसकी लैब स्टडी में पाया गया, तो ये सारे स्ट्रेटनर में है। बेसिकली ये रासायनिक तत्व तो इंडोक्राइन डिस्रप्टर होते हैं, मतलब महिलाओं में जो इस्ट्रोजन होता है उसकी तरह काम करते हैं और लंबे समय और बार बार इस्तेमाल। अब पार्लर में क्या होता है, जब आपको लेप लगा के बिठाया जाता है तो लगभग आधे घंटे से 1 घंटे 40 मिनट मिनिमम होता है। घर में भी आप यही करते हैं, आपके स्कैल्प से, मतलब स्किन जो चमड़ी होती है जहाँ से बाल जुड़े होते हैं, वहाँ से एब्जॉर्ब होकर शरीर में जाएगा और बार बार इस्तेमाल करेंगे तो इसका लेवल बढ़ेगा और शरीर को लगेगा इस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ी है और रिएक्ट करेगा और कैंसर का खतरा बढ़ाएगा। क्या एक बात की गई जो स्मूदनिंग में भी जो चूंकि चिकनापन के लिए बालों को इस्तेमाल करते हैं उससे भी एक खतरनाक बातचीत की, मतलब उसमें भी कहा गया वो भी बहुत खतरनाक है? जी, ये स्टडी में दोनों चीज़ें इंक्लूड की गई, हेयर स्ट्रेटनर और हेयर रिलैक्सर। जो आप कह रहे हैं रिलैक्सर बोलते हैं उसको, कि बाल को मुलायम कर दे और सीधा करने में मदद करे। दोनों में ये रासायनिक तत्व पाया गया, क्योंकि बनाने की प्रक्रिया में रासायनिक तत्व का इस्तेमाल किया जाता है। एज सच रिलैक्सर के जरूरी नहीं है, प्रिजर्वेटिव और खुशबू के लिए जरूरी है ये। अच्छा, अमेरिका में इसको लेकर कहा जा रहा है कि चेतावनी भी जारी की जाए ताकि लोग कम से कम इस्तेमाल करें, तो क्या यहाँ पर अवेयरनेस के लिए क्या करने की ज़रूरत है? क्या आपको लगता है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जानकारी हो सके? बिल्कुल, अमेरिका में ये कहा है क्यों ना इसको बैन कर दिया जाए, लेकिन क्योंकि बाजारवाद बहुत बड़ा होता है तो इसलिए कहा गया है चेतावनी जारी करें। हिंदुस्तान या इन जनरल मैं सभी को कहता हूँ कि जो आपका शरीर की संरचना बनाई गई उसके हिसाब से आपके बाल, आंख, होंठ, नाक, स्किन वैसी बनाई जाती है। बेवजह दूसरों को कॉपी करने के लिए जो आप केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, आज न कल इससे किसी न किसी खास बीमारी, खास कर कैंसर की संभावना मिलती है। तब आपको लगता है मैं इतने साल इस्तेमाल कर चुका, क्या करूं? तो उसके उनके लिए है ट्राई टू बी नेचुरल, प्राकृतिक खूबसूरती में विश्वास करें, वही रहें एंड बैक टू बेसिक्स। आंवला, रीठा, सीकाकाई से लोग बाल धोते थे, उसको करें, वो बेहतर है रादर देन कि आप रिलैक्सर और स्ट्रेटनर पे जाएं। थैंक यू सो मच सर। तो ये हैं डॉक्टर अंशुमान जी हैं जो कि धर्मशिला हॉस्पिटल में निदेशक हैं और कैंसर सर्जन हैं। इन्होंने बताया कितना खतरनाक है ये केमिकल जो स्ट्रेटनिंग के लिए में इस्तेमाल होता है, जो केराटिन ट्रीटमेंट लोग कराते हैं इसके लिए, तो इस तरह के किसी भी तरह का केमिकल से बचे क्योंकि ये बहुत आपको कैंसर का खतरा इससे हो सकता है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ में शालिनी वाजपेयी, टीवी।